वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोग को फ्री रेडिकल दिया हुआ है, हम लोग को इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पता करना है। सो हम लोग को पता है, ध्यान रखना है इस बात का कि स्टेबिलिटी फैक्टर्स जो कार्बोकटायन को इन्फ्लुएंस करता है, वही फैक्टर फ्री रेडिकल को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन एंड फ्री रेडिकल आर सिमिलर, इतना याद रखेंगे, काम अपना बन जाए। तो अब देखो, दिस फ्री रेडिकल हैज थ्री हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस फ्री रेडिकल हैज, यहां पर तीन हाइड्रोजन, यहां थ्री, सिक्स हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर वी हैव नाइन हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां पर नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम लोग का सबसे मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। सो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस, देन दिस, थ्री टू वन एंड लास्ट वी हैव फोर। ये होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ऐसे भी हम लोग को पता होता है टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोस्ट, देन कम सेकेंडरी कार्बोकटायन, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकटायन। वही ऑर्डर यहाँ पर भी है, कार्बन फ्री रेडिकल हो या कार्बोकटायन हो, दोनों का स्टेबिलिटी सिमिलर होता है। ठीक है, थैंक यू।